జహీరాబాద్ పార్లమెంట్ అభ్యర్థి బీబీ పటేల్ తరఫున పలువురు ముఖ్య నేతలు నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా రవాణా శాఖ శ్రీ వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి, ప్యానెల్ స్పీకర్ హనుమంత్ షిండే, శాసనసభ్యులు శ్రీ భూపాల్ రెడ్డి, మాణిక్ రావు గారు, చంటి క్రాంతి కిరణ్ కుమార్, గంప గోవర్ధన్, జెడ్పీ చైర్మన్ ఉపేందర్ రాజు, ఎమ్మెల్సీ ఫరీదుద్దీన్, రాజేశ్వరరావు గారు, మాజీ శాసనసభ్యులు ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి. ఉదయం 11:30 సంగారెడ్డిలోని కలెక్టర్ కార్యాలయంలో నామినేషన్ దాఖలు చేయడం జరిగింది. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో పార్లమెంట్ సభ్యుడు బీబీ పటేల్ మాట్లాడుతూ, దేశంలోనే నెంబర్ వన్ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అని, గత 5 ఏళ్లలో చాలా చేశామని మరోసారి ఆశీర్వదించాలని తెలిపారు. आप सभी लोगों ने, दाइस पर बैठे सभी एमएलए लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश करके अच्छे से आप सबको कोशिश करके, इसलिए मैं सभी लोगों को आने का धन्यवाद देना चाहता हूँ. डेफिनेटली पिछले साल 4.5 साल के दौरान काम करने के टाइम पे राज्य सरकार की तरफ से हमने बहुत सारी मदद की है. स्वयं राज्य सरकार की मदद से हम लोगों ने बहुत सारा काम करने के काम किए. स्वयं खास करके जहरावाल पार्लियामेंट हो, तेलंगाना स्टेट हो, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारे 11 MP जिनके बहुत सारे नए काम करने का भी बहुत बड़ा काम किए हुए हैं. उसमें खास करके स्टेट में जाएंगे तो बयान स्टेट प्लांट हो या तो हाईकोर्ट हो, इसके अलावा एम्स हो, इस तरह इसके लिए भी हम लोगों ने पार्लियामेंट में बहुत सारा कोशिश किए थे. अब जहरावाद पार्लियामेंट की अगर बात आए तो जहरावाद पार्लियामेंट में हमने ये 4-5 साल में करीबन 700 किलोमीटर के रोड बनाने का नेशनल हाईवे तरफ से कोशिश किए हुए हैं. और आपके सामने जो रोड जा रहा है नेशनल हाईवे का, ये एस एन ए रोड के 3,000 करोड़ का अलग स्पाइन राशि रखने का भी काम किए हैं. उसी के अलावा नीम्स का, नए सरकार ने नीम्स का काम शुरू हो गया था और उस पर नया डेपेशन भी नहीं हुआ था, कुछ काम भी नहीं हो गया था. ये सरकार आने के बाद आज कम से कम 6,000 एकड़ से ज़्यादा नया डेपेशन होने से आने वाले दिनों में अगर नीम्स इंडस्ट्री शुरू हो गई तो करीबन 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है. ये काम के लिए भी हमने बहुत अच्छी शुरुआत की है. और उसके अलावा रूरल गाँव को अर्बन लाइन में डेवलपमेंट करने के लिए रूरल डेवलपमेंट की जो स्कीम है वो स्कीम के तहत हम सुपर कॉन्फ्रेंसी में और मैरेक्टर कॉन्फ्रेंसी में 2 गाँव का डेवलपमेंट करने के लिए करीब 500 करोड़ का राशि लाने का भी काम किया. केंद्रीय विद्यालय के बारे में बताएंगे तो गहरा समय मंडल में हमारी तरफ से केंद्रीय विद्यालय चालू करने का भी काम किया. सर रिसेंटली 2 महीने के पहले कामारेड्डी में पासपोर्ट ऑफिस का भी इनॉग्रेशन किया. सर अलग अलग ओवरब्रिज होने दो, फुट ओवरब्रिज होने दो, इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोगों ने अच्छे अच्छे स्कीम लेके आने का काम किया है. और आने वाले दिनों में राज्य सरकार के लिए जहरावाद पार्लियामेंट के लिए इससे भी अच्छा काम करने की जरूर कोशिश करेंगे. मैं खास करके सीएम साहब को और सभी अपने मंत्री लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ. रिसेंटली 3 दिन पहले सी वोटर के सर्वे में हमारे सीएम सबसे बेस्ट सीएम बनकर चुने गए थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. खुशी की बात है भारत देश में सबसे अच्छे सीएम बनकर हमारे सीएम चुने गए हैं. खास करके चुने के पीछे एग्रीकल्चर मिनिस्टर पंकज सिंह शेट्टी सरकार का बड़ा रोल है. हम लोग किसानों के लिए मिशन रैतु बंधु पत्र हो, रैतु बीमा हो, इरीगेशन स्कीम्स हो, ये सब स्कीम लेके आने के बाद भारत देश में नीति आयोग के तहत इस बातों की कथन लिए गई और हमारे सीएम साहब को अच्छे सीएम उनके अवार्ड मिले. सर डेफिनेटली पिछले 4-5 साल के काम करने के टाइम में हम डेवलपमेंट एक तरफ और वेलफेयर स्कीम एक तरफ काम करने का काम किए हुए. आज भारत देश में 35 राज्यों में सबसे ज़्यादा काम, सबसे अच्छे स्कीम कोई होंगे तो सिर्फ हमारे तेलंगाना स्टेट में. इसलिए आने वाले दिनों में इससे अच्छा काम करके तेलंगाना हमेशा फर्स्ट रखने की कोशिश करेंगे. डायस के बैठे से सभी लोगों को और डायस के सामने बैठे से सभी साथों भाजपा सिंह के हमारे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ. आने वाले दिनों में आप लोग इससे भी अच्छा काम करने से ज़्यादा और से जो चुन के देंगे ऐसा आपको मैं समझता हूँ और सबको रिक्वेस्ट भी करता हूँ. डेफिनेटली ये सरकार आने के बाद 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो काम हमने करने का काम किए. इसी तरीके से